खेल शुरू होते ही नन्हा मैसी अपना कमाल शुरू करता है। फिर चाहे वो ड्रिबलिंग हो या बॉल को लेकर तेजी से दौड़ना, वो बाकी के बच्चों से मीलों आगे रहा। जल्दी ही मैसी ने कई महत्वपूर्ण पास किए और एक खूबसूरत गोल दागा। उसके प्रदर्शन ने सबको चौंका कर रख दिया। दादी के बगल में बैठे कैमरामैन ने सारा खेल रिकॉर्ड कर लिया। अब मैसी का नाम तेजी से पूरे शहर में फैल चुका था। उसकी आश्चर्यजनक प्रतिभा को देख कोच दंग रह गया। उसे एहसास हो गया कि मैसी एक दुर्लभ प्रतिभा है। उसने दादी से मैसी को अपनी टीम में लेने के लिए इजाजत ले ली। घर जाते हुए दादी ने मैसी को और ज्यादा उत्साहित किया। उनको विश्वास था मैसी एक दिन दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनेगा। उस दिन से मैसी ने फुटबॉल को अपनी जिंदगी बना लिया। शुरू में सीनियर खिलाड़ियों ने मैसी को खेलने से रोकना चाहा क्योंकि वो बहुत छोटा था और उसे चोट का जोखिम था। लेकिन मैसी ने कई ऐसी कठिन जीत दिलाई जिसके बाद हर खिलाड़ी की एक ही शिकायत रही कि वो छोटे मैसी से नहीं हारना चाहते। अद्भुत प्रतिभा और उसके कठिन प्रयास ने मैसी को मैदान का बादशाह बना दिया। जब तक वो मैदान पर रहता सबको खेल का परिणाम पता होता था। एक दिन मैसी ने खुद को गलती से टॉयलेट में बंद कर लिया। उसकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। गेम शुरू होने वाला था। मैसी को किसी तरह कांच तोड़कर बाहर आना पड़ा। वो तेज दौड़ते मैदान पर पहुंचा लेकिन तब तक सिर्फ 20 मिनट ही बचे थे। उसकी टीम 0-2 से पिछड़ रही थी। कोच ने तुरंत ही मैसी को मैदान में झोंक दिया। हालात एकदम से बदल गए। मैसी ने खुद के दम पर बढ़त बनाई और मैच जीत लिया।